हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो भाई आज फिर से आ गई हूँ आप सभी के लिए एक हेल्दी टिप्स वाली वीडियो लेकर। तो आज मैं आंवले की रेसिपी आप सभी के लिए लाई हूँ। फटाफट से बन जाते हैं, ना ही उबालने का झंझट ना ही तलने का झंझट, बहुत ज़्यादा चिकनाई भी नहीं लगती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आंवले की सब्जी की रेसिपी आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ। आप चाहें तो इसके साथ ब्रेकफास्ट में पराठे बना सकते हैं, चाहें तो डिनर में किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ ये सर्व कर सकते हैं और 5 से 6 दिन के लिए इन्हें आराम से फ्रिज में स्टोर करके आप खा सकते हैं। तो ये फटाफट से बन जाते हैं, कोई झंझट नहीं है इनमें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको दिखा दूंगी कि मैंने ये किस तरीके से बनाए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने आंवले ले लिए हैं और आंवलों को बहुत ही अच्छे से धो लिया है। तो यहाँ पर ना ही हमें आंवले उबाले हैं, ना ही काटने हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ साबुत आंवले धो लेने हैं अच्छे से और पोंछ लेने हैं। अब यहाँ पर मैंने मिट्टी की एक हांडी ले ली है। मिट्टी की हांडी में चढ़ा दूंगी थोड़ा सा सरसों का तेल। तो मिट्टी की हांडी मैंने क्यों ली है, क्योंकि मिट्टी की हांडी की थली बहुत भारी होती है और बिना पानी डाले भी हमारे आंवले धीमी धीमी आंच पर बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। चाहे तो आप इन्हें कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे मिट्टी की हांडी में बनाना अच्छा लगता है, हेल्दी होता है इसका बना हुआ खाना, तो इसीलिए मैं मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ। तो तेल को अच्छे से पकने के बाद डाल देंगे इसमें थोड़ा सा जीरा। जीरे को चटकने के बाद इसमें छोड़ देंगे हम अपने आंवले। तो यहाँ पर मैं सारे आंवले डाल दूंगी। आंवलों का सीजन है, बहुत ही अच्छे हरे आंवले आ रहे हैं। तो भाई सीजन में सीजन वाले फ्रूट्स हो, सब्जियाँ हो, कुछ भी हो, जरूर खानी चाहिए। और आंवला तो बहुत गुणकारी होता है, तो जब तक आंवलों का सीजन है खूब आंवले खाइए। आंवला आंखों की रोशनी बढ़ाता है, बालों को घने और काले करता है और स्किन को चमकदार रखता है। तो आंवलों का खूब सेवन कीजिए। तो यहाँ पर मैंने सारे आंवले डाल दिए। अब इसमें ऐड कर देंगे हम अपने मसाले। तो यहाँ पर सबसे पहले नमक डाल देंगे। देखिए नमक थोड़ा सा, जैसे कि हम सब्जियों में डालते हैं तो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही डालिए, क्योंकि आंवले बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं। तो नमक जब इनमें बिल्कुल अच्छे से डालते हैं हम, तो इनका खट्टापन थोड़ा सा कम हो जाता है। और यहाँ पर डाल दी मैंने थोड़ी सी हल्दी, 2 चम्मच डाल दूंगी धनिया पाउडर और 1.5 से 2 बड़े चम्मच डाल दूंगी सौंफ। देखिए सौंफ थोड़ी सी ज्यादा डालते हैं, क्योंकि आंवले खट्टे होते हैं तो सौंफ थोड़ा सा बैलेंस कर देती है। और 1 चम्मच डाल दिए हींग। अब हमने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं, तो अच्छे से चलाते हुए इस तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, और अगर हैवी थल्ली का कोई भी बर्तन आपका है तो उसमें आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे सिर्फ सिंपली ढक दीजिए और बिल्कुल धीमी आंच कर दीजिए। तो यहाँ पर मेरी मिट्टी की जो हांडी है इसकी थल्ली बहुत हैवी है, तो मैं इस पर प्लेट ढक दूंगी और 10 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर पकने दूंगी। 10 मिनट के बाद अपने आंवलों को इस तरीके से चलाते हुए चेक करेंगे, उसके बाद फिर से एक बार ढककर पका लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आप हमारे आंवले तैयार हो जाएंगे। तो मैं अभी आपको दिखा दूंगी, आंवले हमारे तैयार हो गए हैं, तो मैं भी आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके के हो जाएंगे पकने के बाद। कैसे पता लगेगा कि ये पक गए हैं? जब ये पक जाएंगे तो हल्का सा दबाने से ही ये बीज से अलग हो जाएंगे और 4 से 6 पार्ट में हमें दिखाई देने लगेंगे। तो मुझे आंवले ऐसे ही पसंद है, तो मैंने अलग अलग पार्ट्स में नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही आंवले निकाल कर स्टोर कर दूंगी। तो ये देखिए आंवले तैयार हो गए हैं। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे आंवले कितने अच्छे से पककर तैयार हुए हैं। तो ये देखिए हल्का सा टच करते ही ये गुठली से अलग हो गई है। तो भाई आंवले हमारे तैयार हो गए हैं। अब मैं इन्हें स्टोर कर दूंगी एक कांच के बाउल में। तो आप भी कांच के किसी भी जार में या कांच के बाउल में इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दीजिए और 4 से 5 दिन के लिए स्टोर आप इन्हें आराम से कर सकते हैं। तो आप सभी भी ट्राई कीजिए एक बार मेरी ये रेसिपी। और आप सभी को मेरी रेसिपी आज की कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।